नमस्कार, मैं हूँ मंजूपुरी। तो आज हम बनाने जा रहे मैंगो लस्सी, वो भी घर पर। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो हमने लिया है यहाँ पर दो बड़े आम और इसे अब हम छीन लेंगे। तो हम जो मैंगो लस्सी बना रहे हैं उसके लिए मैं एक आम यूज करूँगी। आप ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसे छील लेते हैं। तो आजकल मार्केट में इस तरह से बहुत अच्छे पके हुए आम आ रहे हैं, और जिसका कुछ आप जूस बनाएं या मैंगो लस्सी बनाएं, कुछ भी बनाएं, वो बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने यहाँ पर सफ़ेदा आम लिया है, तो इस तरह से आप भी ले सकते हैं। इसे हम छील लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसके सारे छिलके उतार के इसको पीसेस में कट कर लिया है। और मैंने यहाँ लिया है मिक्सी का एक जार। जार में हम इन क्यूब्स को, जिसे मैंने कट किया है, उसे डाल देंगे। और साथ ही इसमें मैं डालूंगी 4 से 5 चम्मच। मैंने यहाँ पर चीनी ली है, उसे मैंने डाल दिया है। चीनी आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। साथ मैंने इसमें 1 कटोरी दही डाला है। और यहाँ पर मैंने 2 इलायची लिए, जिसके मैंने दाने निकाल लिए हैं, उसे मैंने डाल दिया। और इस तरह से हम इसे मिक्सी में क्रश कर लेंगे। साथ ही अब मैं इसमें डाल रही हूँ बर्फ की क्यूब्स, इसे भी हम इसके साथ ही चर्न कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से पीस लिया। मैंगो बिल्कुल पीस चुका है। अब हम इसे ये देखिए, अब हम इसे सर्व कर रहे हैं। देखिए कितनी बढ़िया और एकदम गाढ़ी बनी है। जब भी गर्मियों में आपका दिल करे कि आप दही ऐसे नहीं खाना है, तो आप उसमें मैंगो डाल दीजिए। साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी मलाई, जो दूध और दही पर जमी हुई होती है, उस तरह से डालें। और साथ ही पिस्ते और बादाम की कतरन के साथ इसे मैं कर रही हूँ सर्व। और साथ ही इस पर मैं डालूँगी कुछ केसर के धागे, जिससे इसका फ्लेवर और बढ़ जाए, बहुत अच्छा टेस्टफुल। तो इस तरह से हमारी झटपट बनने वाली मैंगो लस्सी घर पर तैयार है। इस तरह से आप भी बनाइए। देखिए बिल्कुल रेडी है, इसे आप पीजिए, पी करके बताइए कैसी बनी है। मैंने तो बनाई है, बनाकर अब बस सब पीने के लिए तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, बाय। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखना।